पानी कब आएगा? कम इन। अरे आप आइए ना। कहाँ चले गए थे तुम? मैं वहां से रूम में वापस आ गया था। अच्छा क्यों, कुछ हुआ क्या? कृष्ण ने कुछ कहा क्या? क्यों, तुमने कुछ देखा क्या या सुना? वो अच्छा चलो छोड़ो, पहले ये बताओ कि आपने शेव क्यों नहीं की अभी तक? पानी नहीं है ना इसीलिए। अरे तो जाओ ना वो स्टोर रूम के पास जो वॉशरूम है वहाँ पे डायरेक्ट पानी आता है, फ्लो थोड़ा कम है पर आपने तो शेव ही कर ली। रियली आप मेरी मदद कर रही हैं पायल जी? वाओ आई कांट बिलीव दिस, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? कितनी हेल्पफुल हैं आप, कितनी हेल्पफुल हैं आप। वो तो हम हैं। अच्छा लिसन, अब क्रिश को कुछ मत बताना, अगर उसे पता चल गया ना कि हमने तुम्हारी हेल्प करी है पालतू में गुस्सा हो जाएगा। वैसे मैं क्रिश को क्यों बताऊंगा? एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपके मन में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है ना, है ना? अब वो चलो छोड़ो, चलता हूं। ना 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 ना। सॉफ्ट कॉर्नर माय फुट। आज तक हम साक्षी के प्यार के लिए तरसते थे लेकिन अब ऐसी नौबत आई है ना कि हम पानी के लिए तरस रहे। यक, अरे यार ये पानी कब आएगा यार? अरे साक्षी पानी आ गया क्या? नहीं तो। अरे तो तुम इतनी फ्रेश कैसे लग रही हो? विक्रम जो स्मार्ट होता है ना वो ऐसे खड़े होके पानी का वेट नहीं करता बल्कि अपना दिमाग लगाकर फ्रेश हो जाता है। अरे मेरी माँ तुम्हारे दिमाग की तारीफ बाद में करो और हमें कोई एक आइडिया दो। तो एक काम करो जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लो और इस डियो को लगाकर पूरी बॉडी को फ्रेश कर लो, फिर तो भगवान भी आकर पता नहीं लगा पाएंगे कि तुम नहाए हो या नहीं। यू बिना नहाए? अरे इसमें यू की क्या बात है, ये तो क्विक एंड फास्ट सॉल्यूशन हुआ ना, इसमें नहाने का भी झंझट नहीं है। अरे साक्षी तू तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली। थैंक यू विक्रम, मैं पहले से ही थी। Finally, शेविंग क्रीम से आजादी मिलेगी। पूरे चिपचिपे हो गए हम, लगता है नहाना ही पड़ेगा। हाँ भाई नकली सेंटा क्लॉज बन के कहाँ घूम रहा है पूरे घर में? वॉशरूम जा रहा हूँ। अरे हमारा घर है तो पहले हम जाएंगे। पहले मैं जाऊंगा? अरे पहले हम जाएंगे क्योंकि हमारा लगी हुई है, जल्दी जाना। तू जाएगा? तू जाएगा ले। अरे रुक क्रिश, इडियट क्रिश, क्रिश रुक। अरे खोल। ओह नो, कृष्ण और बिंदिया वॉशरूम में एक साथ, ये तो उल्टा हो गया। सैम की जगह कृष्ण वॉशरूम में कैसे चला गया?
आप यहाँ कहे आए? जाइए यहाँ से, ऐसे कोई बाथरूम में घुस जाता है का? अरे बिंदिया, तो कोई बाथरूम का दरवाजा खुला रखता है क्या? और तुमने कोई बोर्ड भी नहीं लगाया है कि बिंदिया महारानी अंदर बाथरूम में है, कोई अंदर ना आए? हाँ तो अब तो आपको पता चल गया ना, अब जाइए यहाँ से। हाँ जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ बाथरूम में टाइम स्पेंड करने का। हाँ तो जाइए जल्दी। अरे जा ही रहे हैं, लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? दरवाजा नहीं खुल रहा है। कृष्णा जी पीछे हटिए। कोई है का? दरवाजा खोलिए, कोई है का? ये तो बिंदिया जी की आवाज है। बिंदिया जी, बिंदिया जी आप अंदर हैं? हम अंदर बंद हो गए। बिंदिया जी आप घबराइए मत, ट्राई कीजिए खोलने का। कहां इस समय को बिंदी के साथ होना चाहिए था, बट अभी कृष बिंदी के साथ बंद हो गया। खोलिए बिंदिया जी, बोलो। सारा खेल बिगड़ गया। बाथरूम में लॉक करना था सैम और बिंदिया को, पर ये कृष जाके बिंदिया के साथ लॉक हो गया। बिंदिया पीछे हटो, हम देखते हैं। प्लीज अब दरवाजा खोलिए, हमारी मदद कीजिए। ये खुल क्यों नहीं रहा है? हे भगवान, खोलिए बिंदिया जी। बिंदिया बिंदिया हटो ना, हम खोल रहे हैं दरवाजा। बिंदिया पीछे हटो, हम देख रहे हैं ना। कृष्णा जी आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें करीब आने की? हटिए यहां से, दरवाजा खोलिए। कोई है का बाहर? ट्राई कीजिए खुल जाएगा। दरवाजा खोलिए। बिंदिया को हमसे डर लग रहा है। I can't believe this. बिंदिया जी, ए, क्या हुआ? बिंदिया जी, अरे क्या हो रहा है जी यहाँ? छोटी माँ, कृष और बिंदिया जी अंदर लॉक हो गए। हाँ, what? You mean हम तुम एक वॉशरूम में बंद हो और डोर लॉक हो जाए? हाय, how romantic. तुम करोगी? हाँ, wow. बाप रे बाप, पत्थर को पिघला के पानी बनाया जा सकता है, लेकिन ये इसके जवान पे ना ताला नहीं लगाया जा सकता है। दरवाजा खोलिए, कोई है का बाहर? दरवाजा खोलिए, कोई है का बाहर? बताइए हमें, दरवाजा खोलिए। बिंदिया बिंदिया घबराओ मत, हम सब यहाँ हैं, कुछ नहीं होगा तुमको। अब्बा दरवाजा खोलो, अब्बा दरवाजा खोलो, अब्बा बचाओ हमें, अब्बा। बिंदिया जी आप पीछे हट जाइए, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ, पीछे हट जाइए। बिंदिया जी बिंदिया जी अम्मा।
कमरे में ले जाओ इसे। What the hell did you do? क्या किया तूने बिंदिया जी के साथ? बिंदिया जी इतनी घबराई हुई क्यों थी? क्या किया तूने? सच सच बता, वो इतनी घबराई हुई क्यों थी? वो लोकल एंग्री बॉय, हमने कुछ नहीं किया, अपनी तरह मत समझ हमें। देख तू झूठ मत बोल, तू बता क्या किया है? बिंदिया जी डरी हुई थी, सबने देखा है। अरे जा जा, क्या किया बिंदिया से पूछ, छोड़ हमारा टॉवल। छोड़ो, तो झगड़ोगे। ए बिना काला कोट वाले वकील, तुमको अगर बिंदिया का वकालत करना है ना तो कहीं और जाके करो, हमारे बाबू के पीछे मत पड़ो। छोटी माँ, बिंदिया जी कितनी घबराई हुई थी, आपने देखा ना? अरे तो बिंदिया से पूछो ना भाई जाके, कोई भी बाथरूम जाता है तो बाथरूम बंद करता है ना, हाँ? तो उसने बंद क्यों नहीं किया? ऐसा कहीं होता है? इसमें बिंदिया भाभी की कोई गलती नहीं है मैम साहब। हमारी गलती है? नहीं आपकी नहीं, दरवाजे की गलती है। क्या मतलब? मतलब ये दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा है, और एक बार अगर बंद हो जाता है तो फिर खुलता ही नहीं, और ये बात हमें पायल दीदी ने बताई थी। हम गए भी थे कृष भैया को बताने, पर हमें साक्षी भाभी ने बुला लिया और इस चक्कर में हम बता ही नहीं पाए। पायल दीदी आप ही बताइए ना सबको। ये सब ना तुम्हारी गलती है, अगर तुम टाइम से कृष को सब कुछ बता देती ना तो ये सब नहीं होता। एक नंबर की ना यूजलेस हो तुम। लगता है सारा खेल इसी मैडम का रचा हुआ है। क्रिश तुम ना चलो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम कपड़े चेंज करो, चलो। कुछ नहीं हुआ है, कृष ही तो था, कोई गैर थोड़ी ना था। और चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अभी भी तुम्हारा हस्बैंड ही है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम अभी भी बिंदिया के हस्बैंड हैं। फिर वो हमें देख करके ऐसे घबरा गई, ऐसे डर गई, जैसे उसने किसी हैवान को देख लिया हो। और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसके मन में इतना डर हमारे लिए कब से बैठ गया। दीदी जी, जब से हमने कृष्णा जी का वो रूप देखा है ना, तब से हमने मन में डर बैठ गया। घर तक उनके चेहरे में भगवान की मूर्त दिखाई देती थी हमें, पर अब शैतान दिखाई देता है। भगवान की मूर्त तो टूट कर बिखर गई ना दीदी। एक सुहागन अपने पति में ही अपने भगवान को देखती है, पर जब वो मूर्त टूटती है ना कृष, तो ना तो वो जुड़ती है ना ही वो पूजी जाती है, क्योंकि टूटी हुई मूर्तियों की पूजा नहीं होती। कृष, बिंदिया के मन में जो तुम्हारी छवि थी ना, वो तो टूट चुकी है कृष। हम जानते हैं बिंदिया, कृष्ण ने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसे सहना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी दिल दहला देता होगा। पाप जैसा शब्द भी छोटा पड़ता होगा कृष्ण की उस हरकत के आगे। पर बिंदिया हम एक बात कहें, कृष्ण इतना गलत नहीं है जितनी बड़ी गलती उसने की है। बस उसकी एक कमी है कि वो किसी के भी बहकावे में आ जाता है। हम जाते हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि हम एक सेल्फिश सिस्टर की तरह उसकी तरफदारी कर रहे हैं, पर बिंदिया हमने जो कहा ना
वो बिल्कुल सच है। उसे इतना बुरा मत समझो कि उसकी अच्छाइयों की कोई कीमत ही ना रह जाए। प्लीज बिंदिया, तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी अच्छाइयों को बिंदिया के मन से मिटा दिया है कृष। इसलिए तुम्हें अपनी गलत इमेज को बिंदिया के मन से मिटाना होगा कृष। फिक्र हो रही है ना तुम्हें हमारी? हमारे चेहरे पर जरा सी भी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाती ना तुम? पानी आ गया, पानी आ गया। क्या हो रहा है हमें? आजकल हर जगह हमें बिंदिया ही क्यों दिखाई देने लगी है?